अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपने मल्टी डेस्कटॉप जो है वो बना सकते हैं और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान मेथड है मल्टी जो डेस्कटॉप है इसको बनाने का। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरह हम मल्टी डेस्कटॉप बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने एक डेस्कटॉप जो नॉर्मली रन था मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने एक ब्राउज़र ओपन कर लिया है, ठीक है, मतलब मैंने इसके ऊपर काम करना है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये मेरा डेस्कटॉप नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रेस करूँगा विंडो प्लस कंट्रोल टी, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है विंडो प्लस कंट्रोल डी, तो ये मैं दूसरे डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। देखिए, पहला वो गायब हो गया, ठीक है। तो पहला जब वैनिश्ड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, तो फिर आपने करना है विंडो प्लस टैब, वो देखें ऊपर आ गए डेस्कटॉप, डेस्कटॉप 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरह आप जितने मर्ज़ी बना सकते हैं, चाहे 100 बना लें या इससे भी ज़्यादा बना लें। अब दूसरे डेस्कटॉप पे हम आ गए, तो यहाँ पर आके मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ वर्ड एक्सेल की ना। इसको ओपन करने के बाद मैं सिंपल फिर टाइप करूँगा विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस डी, कीबोर्ड से टाइप करना है। ये इकट्ठा एक साथ प्रेस करेंगे तो ये फिर गायब हो गया, ठीक है। फिर हम आएंगे विंडो प्लस टैब के साथ, तो हम अब तीसरे पे आ गए हैं। थर्ड नंबर के ऊपर अब हम क्या करेंगे, माई कंप्यूटर को ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद हम फिर सिंपली विंडो प्लस टैब प्रेस करेंगे, तो एक और डेस्कटॉप बन गया हमारे पास। ये देखें, सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा वो भी आगे बढ़ते जाएंगे और उसकी काउंटिंग बढ़ती जाएगी डेस्कटॉप की ना। तो अभी मैं एक और ओपन करता हूँ, इसमें मैंने हेल्थ सॉफ्टवेयर जो है वो पीसी हेल्थ वो ओपन किया है, ठीक है। अब मैं फिर क्या करूँगा, विंडो प्लस कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, देखें अब ये एक और बन गया। इस तरह आप जितने मर्ज़ी मल्टी डेस्कटॉप बना सकते हैं, और बहुत ही आसान मेथड है इसको बनाने का। ये देखें, ये मैंने बना लिए हैं और ये ऑटोमेटिक आगे और बनते जाते हैं। तो अब इसमें बनाने का फ़ायदा क्या है, बेसिकली ये हम क्यों बनाते हैं। अब देखिए, मैंने डेस्कटॉप 1 पे मैं जो भी काम कर रहा था ना, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं ये देखें डेस्कटॉप 1 में काम कर रहा हूँ ना, तो अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मैंने ये नहीं करना, मैंने डेस्कटॉप 2 पे करना है। तो मैं डेस्कटॉप 2 के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो डेस्कटॉप 2 खुल जाएगा। 3 के ऊपर क्लिक करूँगा तो 3 खुल जाएगा। तो इसके लिए मस्ट है आपको विंडोज़ प्लस टैब आपने प्रेस करना है। अगर आप विंडो प्लस टैब प्रेस नहीं करेंगे तो आपके डेस्कटॉप ओपन नहीं होंगे। तो आपने जब भी बनाना है इसको, तो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी आपने प्रेस करना है और आपका वो डेस्कटॉप बन जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा वापस जाने के लिए विंडो प्लस टैब के बटन पर क्लिक करना है। ये देखें, जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कितने डेस्कटॉप बन गए हैं। तो मैं सिंपली इसको कैसे ओपन कर रहा हूँ कि विंडो प्लस टैब प्रेस करता हूँ तो वो डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता है कि कितने बने हुए हैं। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब जितने मर्ज़ी आप बना लें इसको, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह आप अपना काम इजीली कर सकते हैं। आपने पहले डेस्कटॉप पे कोई और काम करना था, दूसरा डेस्कटॉप बना लिया, उसके ऊपर कोई और काम करना है, फिर आप सिंपली विंडो प्लस टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास डेस्कटॉप ओपन हो जाएंगे। आप इजीली इसको मैनेज करके आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ये देखें, जैसे 1 है, ये 2 है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।